वेलकम टू मॉम्स जैसे लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया था कि वावल साउंड्स इंग्लिश में क्या होते हैं उसमें हमने एक बात जानी कि वावल की शॉर्ट साउंड जो बच्चे फोनिक में सीखते हैं उसके साथ साथ वावल की एक लॉन्ग साउंड भी होती है लॉन्ग साउंड इज नथिंग बट वावल नेम इ और मैंने आपको बताया था कि अगले वीडियो में यानी इस वाले वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी स्पेलिंग पैटर्न जहाँ पे आप बच्चों को सिखा सकते हैं या फिर आप खुद सीख सकते हैं कि वावल वावल को वावल के नाम से कब पढ़ना है यानी ए को ए कब पढ़ना है ई e को ई e कब पढ़ना है ए को ए नहीं पढ़ेंगे ए विल बी इट्स शॉर्ट साउंड वावल नेम एट सेल्फ इज इट्स लॉन्ग साउंड यानी ए A को ए पढ़ना ई e को ई e पढ़ना आई को आई पढ़ना ओ को ओ पढ़ना और यू को यू पढ़ना लॉन्ग कहलाता है तो यहाँ पे कुछ वर्कशीट जो मैंने वेबसाइट पे प्रोवाइड की है इन वर्कशीट में आप देखेंगे स्पेलिंग पैटर्न्स जिससे हमको पता चलेगा कि कब वावल को लॉन्ग पढ़ना है यानी ए को ए एक कब पढ़ना है जैसे कि ये थ्री स्पेलिंग यहाँ यहां हैं जो आपको बताएंगे कि ए को ए पढ़ना है ए नहीं पढ़ना फोनिक साउंड शॉर्ट नहीं पढ़ना लॉन्ग पढ़ना है जैसे कि ये वर्ड केक है केक ए इज द लॉन्ग वावल हियर यानी ए को हम ए पढ़ रहे हैं दट इज लॉन्ग साउंड केक आप ये कैसे पता चलेगा सो so, किसी भी स्पेलिंग में जब वावल ए के बाद कोई एक कॉन्सनेंट है और उसके बाद ई e आ रहा है यानी yani ए वावल ए के बाद कोई भी एक कॉन्सनेंट आ रहा है एंड देन वावल ई e आ रहा है यू विल रीड ए एज लॉन्ग हेयर सी अगेन यहाँ पर इस वाले स्पेलिंग में देखिए, स्ल एक साउंड है यहाँ पर स्ल देन यू हैथ वन कॉन्सेंट एंडल ई यानी ए और ई e के बीच में एक वावल है सो so, ये एक स्पेलिंग पैटर्न है जिससे आपको पता चलेगा कि वावल ए को लॉन्ग पढ़ना है इसी तरह से जब भी आप वर्ड में ए आई देखो स्पेलिंग में आपको ए आई को ए पढ़ना होता है ए वाई को भी ए पढ़ना होता है हेयर आर फ्यू वर्ड्स सो देट यू कैन रीड एंड प्रैक्टिस कुछ और वर्ड्स यहां पे है दिस आर मोर देन एनफू लर्न लॉन्ग वाबल स्पेलिंग पैटर्न लॉन्ग ई देन वर्ड लिस्ट देन यू हैव लॉन्ग आई देन वर्ड लिस्ट फॉर लॉन्ग वाबल आई देन लॉन्ग साउंड ऑफ वाबल ओ स्पेलिंग पैटर्न देन यू हैव वर्ड लिस्ट देन यू वर्ड लिस्ट पर लॉन्ग वावल यू ये सारी जो वर्कशीट है फ्री फॉर डाउनलोड है मेरी वेबसाइट पे www.splendidmoms.co.in पर जब भी आप इंग्लिश रीड करोगे ना आप देखोगे कि बहुत सारे वर्ड्स में वावल के लॉन्ग साउंड्स यूज होती है बहुत कॉमनली यूज होती है और रीडिंग में बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होगी अगर उनको लॉन्ग वावल साउंड के बारे में पता नहीं होगा सो ए आई को ए वाई को ए पढ़ना है इसी तरह से ई को ई ए को ई पढ़ना है तो ये अगर स्पेलिंग पैटर्न उनको पता है ना कि कोई भी वर्ड एंड विथ वाई हो रहा है तो यू हैव टू रीड इट विथ लॉन्ग आई साउंड फ्लाई तो ये स्पेलिंग पैटर्न अगर पता है तो बच्चों को रीडिंग में आसानी होगी कोई भी न्यू वर्ड पढ़ने में वो डरेंगे नहीं वो कोशिश करेंगे एंड दे विल सक्सीड तो ये वाली वर्कशीट पर रीडिंग पर्पज है जरूर डाउनलोड करिए फ्री फॉर डाउनलोड है ऑन माई वेबसाइट डब्ल्यू 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 डॉट मॉम्स डॉट को डॉट इन मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया है वहां पे जाइए शॉर्ट साउंड सिखाने के लिए आपको बहुत सारी सीवीसी रिलेटेड वर्कशीट फ्री पे डाउनलोड करने को मिलेंगी मेरी वेबसाइट पे अभी बारी है लॉन्ग साउंड सिखाने की इसके बाद मैं फ्यूचर में प्रोवाइड करूंगी डिपटोंग रिलेटेड अभी के लिए लॉन्ग साउंड मैंने अपलोड किए वेबसाइट पे आप जरूर जाइए डाउनलोड करिए और रीडिंग करवाइए जितना आप रीडिंग करवाएंगे ना उनके दिमाग में उतना ये कॉन्सेप्ट बैठेगा कि वॉवल्स की शॉर्ट ही नहीं लॉन्ग साउंड भी होती है एंड दे हैव टू हाउ दे हैव टू रीड इट सो ये था आज का वीडियो अबाउट स्पेलिंग पैटर्न रिलेटेड टू तो लॉन्ग वावल साउंड लॉन्ग ए लॉन्ग ई देन यू हैव आई ओ एंड यू स्पेलिंग पैटर्न के साथ साथ मैंने बहुत सारी वर्ड वर्ड्स दिए वर्ड लिस्ट के वर्कशीट uh, पर सो देट रीडिंग अप करवाओ रीडिंग से ही बच्चे अच्छे से रीडिंग करना सीखेंगे यानी इंग्लिश सेंटेंसेस में या लेसन को जब उनको रीड करना होता है तो वो अच्छे से रीड कर पाएंगे सो ये था आज का वीडियो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हेल्पफुल लगा तो जरूर लाइक करे शेयर करे और चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें। हैप्पी पेरेंटिंग फ्रॉम स्प्लेंडेड मॉम्स हैप्पी पेरेंटिंग फ्रॉम स्प्लेंडेड मॉम्स गिव अस अ थम्स अप इफ यू लाइक द वीडियो सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशंस ऑफ आवर लेटेस्ट वीडियोस